मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफे पुनः आपके समस्त उपस्थित हूँ। मेरे सभी दर्शकों और सुनने वालों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, जिसका शीर्षक है एक थी विलासा, एक था करण और एक थी उनकी प्रेम कहानी। इसमें हम लोग ये सुन पाए थे कि करण के ऑफिस में एक लड़की ने रिपोर्ट किया था, उसके बाद सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पूरे ऑफिस में तूफान समझ गया। तो उसके आगे की कथा हम आज सुनेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पर भूचाल सा आ गया, सुनामी आ गई। हुआ यह कि हमारे ऑफिस का ऑडिट करने के लिए हमारे मुंबई ऑफिस से एक ऑडिटर आया। उसके साथ उसको असिस्ट करने के लिए दो असिस्टेंट भी आए। उस ऑडिटर के लिए टेबल मेरी टेबल के बगल में लगाई गई थी, क्योंकि मुझे ही उसे सारी फाइलें वगैरह दिखानी थी। ऑडिटर का नाम था अमित बावला, शायद बंगाली था, लेकिन एकदम गोरा कि उसकी हल्की चमड़ी एकदम लालिमा लिए हुए दिखाई देती थी। भूरे बाल करीने से सजाए हुए होते थे, काली पैंट, सफ़ेद कमीज और काला कोट पहनता था। उम्र होगी करीब 28 से 30 साल के लगभग। सभी उसको बावला साहब कहकर संबोधित करते थे। नाम तो था ऑडिटर का बावला, लेकिन उसके आने से पूरा ऑफिस बावला हो गया था। बावला साहब एक दो दिन तो मेरे बगल में बैठकर ऑडिट का काम करते रहे, लेकिन तीसरे दिन ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कुछ बिजली सी गिरा दी है। तीसरे दिन जब मैं 9:45 बजे ऑफिस पहुंचा, तो बावला साहब आ चुके थे और विलासा के सामने बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। विलासा भी उसके साथ हंस हंस करके बातें करने में मशगूल थी। मैं कब ऑफिस में दाखिल हुआ और कब अपनी सीट पर बैठ गया और हरिलाल से मैंने अपना ऑफिस खोलने के लिए आवाज़ लगाई, तब उसने देखा। जैसे ही विलासा ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो झटके से उठी। उसके मुंह से निकला, अरे आप कब आ गए, पता ही नहीं चला। मेरी सीट पर आकर उसने मुझे सर गुड मॉर्निंग बोला और मुझसे मिलकर वापस अपनी सीट पर चली गई। वह दोनों फिर से पहले की तरह बातों में मशगूल हो गए। बस सुनामी और तूफान की यही वजह थी, सब इसी से परेशान थे कि हम लोग तो अभी दुआ सलाम से भी आगे बढ़कर बात नहीं कर पाए हैं, और ये कल का लड़का वो भी 4 दिन के लिए आया हुआ है और उसने इतनी घनिष्ठता के साथ मैडम से बात कर रहा है। विलासा को सभी मैडम कहते थे, सिर्फ मैं एक था जो उसका नाम लेता था, यहाँ तक कि बॉस भी उसे मैडम ही कहते थे। खैर, आधे घंटे बाद मैं उठा और विलासा की टेबल पर जाकर बावला से बोला, आइए काम शुरू करते हैं। उसने कुछ लापरवाही से, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, कहा, सर मैंने आपको अपने असिस्टेंट को समझा दिया है कि क्या देखना है, वे लोग देख लेंगे और मैं सिग्नेचर कर दूंगा। मैं वापस अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। एक दो दिन और बीत गए, सिलसिला वैसे ही चलता रहा। बॉस भी आ गए, लेकिन मेरी नज़र में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। बॉस ने भी देखा। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ कारपेंटर हैं और वो कुछ लकड़ी का काम कर रहे हैं। मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा कि साहब अपने केबिन में बैठे हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करने गया तो उन्होंने कहा, बैठो करें। मेरे बैठ जाने पर अपने आप को काम को जारी रखते हुए सर नीचे किए हुए ही वो बोले, करण तुम्हारा काम और जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, बाहर हॉल में लोग तुमको डिस्टर्ब भी करते हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। और ये ऑडिटर का क्या चक्कर है, ये ऑडिट अपने असिस्टेंट से क्यों करवा रहा है? मैंने कहा, सर एक दिन तो मैंने कहा था कि आइए डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए आकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि असिस्टेंट को दिखा दो, दस्तखत मैं कर दूंगा। बॉस के चेहरे पर क्रोध और व्यंग दोनों एक साथ देखे जा सकते थे। वे चिढ़ कर बोले, और वो यहाँ बैठ कर क्या दिन भर इश लड़ाएंगे, मैं उनका भी इंतजाम करता हूँ। उन्होंने उसी समय किसी को फ़ोन किया और मुझसे बोले कि मैडम को बोलो कि बावला का रिलीव मेमो कल की डेट में बना दे और उसे आज की डेट में ही उसको रिसीव करा दे। बॉस बुदबुदाए, दस्तखत कर दूंगा और ये यहाँ बैठ करके इश्क लड़ाएंगे। मैंने बात कर ली है। मैंने धीरे से पूछा, सर बावला जी को कहाँ के लिए रिलीव करना है? बॉस को दोबारा फिर गुस्सा आ गया, मुझको खा जाने वाली नज़रों से देखा और बोले, तुम्हें इतना भी नहीं पता, उसे बम्बई हेड ऑफिस के लिए रिलीव होना है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन बॉस के केबिन से ऐसे बुदबुदाते हुए निकला जैसे कि मुझे बॉस की पोजीशन या उनका जो बात थी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद मैंने विलासा को बुलाया। आमतौर से मैं विलासा को कुछ कहना होता तो उसकी सीट पर ही जाता था, लेकिन आज आवाज़ देने से शायद वह समझ नहीं सकी और अचकचा कर बोली, सर क्या आपने मुझे बुलाया,
मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हें ही आवाज़ लगाई है। वह मेरे पास आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके आने से एक मादक सी महक मेरे चारों ओर फैल गई। उसके माथे की बिंदी, उसके होंठों ने मेरी तंद्रा भंग की। मैं कुछ एब्सेंट सा हो गया था। मैंने खोए हुए अंदाज में पूछा, विलासा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? वह बोली, मुझे क्या पता, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, इस ऑफिस में विलासा अगर परमानेंट काम करना है तो मुंह से बात निकले उससे पहले ही समझ जाना होगा, तभी यहाँ टिक पाओगे। मैं फिर से हंसने लगा। विलासा ने आंखों से गुस्सा दर्शाया और मुस्कुरा कर देखने लगी। मैं चाह रहा था कि विलासा ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहे और मुस्कुराती रहे और मैं उसे देखता ही रहूं। विलासा बोली, अब कुछ आप आगे कहेंगे भी या मैं जाऊं? मैंने कहा, विलासा मैं तुम्हारा बॉस हूं, आगे से कुछ भी कहना या पूछना होगा तो तुम मेरी सीट पर आओगी। और बॉस कह रहे हैं कि तुमने मुझसे कह रहे हैं कि मैंने सबको बहुत मुंह लगा लिया है, जिससे ऑफिस का डेकोरम खराब हो रहा है। बॉस ने तुमको भी हिंट किया है। तुम बावला साहब की कल की डेट का रिलीव मेमो बना दो, लेकिन उसे रिसीव अभी करा देना है। इतना कहने के बाद मैं अपने काम में लग गया, लेकिन विशाला उठकर गई नहीं। वह अभी भी मेरे सामने बैठी थी, लेकिन मैंने सर नहीं उठाया और प्रदर्शित किया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। 5 मिनट बाद मैंने सर उठाया, विलासा अभी तक मेरे सामने बैठी थी। वो गुमसुम सी बैठी थी, मेरा मुंह ताक रही थी। मैंने कहा, विलासा कुछ कहना है क्या? वो बोली, सर मुझे रिलीविंग मेमो बनाना नहीं आता, कैसे बनेगा? मैंने कहा कि ट्रांसफ़र वाली फाइल निकाल लो, उसमें जो कोई पुराना रिलीविंग मेमो बना हो उसको देख करके बना दो। इनको मुंबई जाना है, लेकिन नकल ठीक से करना, क्योंकि नकल में ही गलती होती है। उसने कहा, साइन कौन करेगा, आप या साहब? मैंने कहा, सर साइन करेंगे, लेकिन जल्दी करना, बॉस को कहीं जाना है, अभी हल्ला मचाने लगेंगे। लेकिन बावला को ये बात पता न चलने पाए। ये उसको बात तभी पता चले जब उसे लेटर दिया जाए। विलासा ने घूम कर देखा, वहाँ बावला नहीं था। उसके चेहरे पर कुछ निश्चिंता आ गई। वो बेचैनी जो मेरे ये कहने से आई थी कि बावला को रिलीविंग मेमो की बात पता न चलने पाए, मैं सोच कर यह जल उठा। थोड़ी ही देर में मेमो तैयार हो गया और बावला को सर्व कर दिया गया। लेकिन बावला ने पूरा दिन विलासा के सामने बैठ कर ही बिताया। बिल्कुल भी उसको नहीं लग रहा था कि उसको उस चिट्ठी से कुछ फर्क पड़ा है। शाम को 6 बजे विलासा ने अपना बैग उठाया और अपने घर को चली गई। तभी मैंने गौर किया कि विलासा के निकलते ही बावला भी निकल गया। मेरे मन के शैतान ने कहा कि शायद विलासा के साथ आज बावला के मिलने का प्रोग्राम है। उसी शैतान ने मुझको उकसाया कि मुझे उनका पीछा करना चाहिए। मैंने एक सहकर्मी की बाइक ली और ऑफिस के मेन गेट से निकल गया। मैंने देखा कि विलासा ने थोड़ी दूर पर जाकर के रिक्शा ले लिया था और वहाँ बावला का कहीं अता पता नहीं था। स्ट्रेट होकर के विलासा रिक्शे के ऊपर बैठी थी। उसने साड़ी का पल्लू पूरी तरह से आगे बांध रखा था, जो कि उसकी स्टाइल थी। काले बाल उसके हवा में लहरा रहे थे। लेकिन जब मुझे बावला नहीं दिखाई दिया तो मैं थोड़ी दूर तक मैंने उसका जासूसों की तरफ पीछा किया, लेकिन फिर वापस आ गया। तो आज की कहानी मित्रों यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले अंक में फिर कहाँ मिलेंगे, बावला और विलासा का क्या हुआ, वो लोग कहीं मिले या नहीं मिले, ये हम अगले अंक में आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।